आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज की प्रेस वार्ता की शुरुआत मैं एक बहुत मशहूर हिंदी फिल्म से करना चाहता हूँ। एक बहुत मशहूर हिंदी फिल्म थी जिसमें गब्बर सिंह नाम का एक डाकू था और वो गांव वालों का अनाज लूट के भाग जाता था। आपको याद होगा, तकरीबन हम सभी ने वो फिल्म कई बार देखी होगी। आज गब्बर सिंह टैक्स वही काम हिंदुस्तान के मध्यम आय वर्गीय लोगों के थाली से रोटी लूट के भागने का काम कर रही है। हिंदुस्तान के निम्न आय वर्गीय परिवारों की थाली से रोटी लूटने का काम आज फिर वह गब्बर सिंह टैक्स कर रही है। दूसरा एक महत्वपूर्ण इश्यू मैं आज उठाना चाहता हूं और वो बड़ा आश्चर्य है। मैंने भी 5 बार उसको पढ़ा क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हुआ कि लोकतांत्रिक देश की सरकार क्या ऐसा कर सकती है। हमारी देश की सरकार के लिए कैसीनो पर टैक्स लगाना से पहले वो 5 बार सोचती है, रिव्यू कर रही है, पर आटे पे टैक्स लगाने से पहले एक बार भी रिव्यू की जरूरत नहीं है। घुड़सवारी की जो रेस होती है उसमें जो सट्टे लगते हैं हॉर्स रेसेस में, उस पे टैक्स लगाने के लिए रिव्यू चल रहा है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स उसमें बैठे हुए हैं, पर छाछ आदमी गरीब आदमी गर्मी में कैसे पी ले उसके ऊपर टैक्स तुरंत लगा दो। तो क्या कैसिनोज आर ओवर कॉमनर्स? इज दिस द मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस दैट कैसिनोज आर ओवर द कॉमनर्स? सामान्य व्यक्ति के ऊपर हिंदुस्तान की सरकार के लिए कैसिनोज हैं, घुड़सवारी की रेस के विनिंग्स हैं। और तीसरा मुद्दा, गरीब की पेट पर वार बहुत निर्दयी है मोदी सरकार। इन 3 मुद्दों पे मैं टेक्निकल बात करूंगा, पर ये स्ट्रक्चर है आज की प्रेस वार्ता का। साथियों, पिछले 8 साल में एक हंसती खेलती बढ़ती अर्थव्यवस्था को कैसे नष्ट किया गया है इसके ऊपर अनेकों बार हमने अपनी बात कही और ये दुनिया में केस स्टडी लिखा जाना चाहिए कि बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को नष्ट कैसे किया जाए और उसके जो प्राइम उसके एक्टर होंगे उस प्राइम एक्टर के नाम है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। 8 साल में देश ने क्या क्या दंश झेला, भले ही वो नोटबंदी हुई हो, GST हुई हो, बिना सोचे समझे तालाबंदी की गई हो, और उसका दंश का क्या खामियाजा हुआ कि आज भी जब हम बात कर रहे हैं देश में बेरोजगारी की दर 7.5 से 8% पर है। 7.5 to 8% इज ए न्यू नॉर्मल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन आवर कंट्री। जरूरत थी कि GST के स्ट्रक्चर में ऐसे बदलाव किए जाए जो व्यापारियों को आगे सुविधा दें, जो नए रोजगार को सृजित करें, जो असंगठित क्षेत्र जिसको GST ने तबाह कर दिया है उसको वापस अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लाए। पर पिछले सप्ताह 47वीं GST काउंसिल की मीटिंग होती है, 47th मीटिंग, और उस मीटिंग में सरकार क्या निर्णय करती है वो निर्णय आपको बताता हूं। अनाज, मछली, पनीर, लस्सी, शहद, गुड़, आटा, छाछ और मूरी, इस पे जो पहले ये सब एग्जेम्प्टेड थे इन पे 5% GST लगेगी। इस पे रिव्यू एक बार भी सरकार ने नहीं किया, बोले बिल्कुल ठीक है, इस पे तो लगनी ही चाहिए। दूसरा निर्णय किया कि 1,000 रुपये तक की जो होटलें हैं जो प्रति दिन का 1,000 रुपया लेती है उन पे GST लगेगी 12%। वो भी पहले उस पे नहीं लगता था, पर मजाल है गरीब आदमी कहीं जाके रुक जाए, क्योंकि 1,000 रुपये में मोदी जी के मित्र वाले तो रुकेंगे नहीं उन होटलों में, ये तो सामान्य होटलें हैं।
इसमें देश के मिडिल क्लास लोग, देश के निम्न आय वर्गीय परिवार के लोग रुकते हैं, तो उस पर 12% GST लगा दी। और तीसरा जो मुख्य निर्णय किया 47वीं मीटिंग पे, कि राइटिंग में जो इंक काम में आती है, जो प्रिंटिंग में इंक काम में आती है, जो चम्मच है, जो पेंसिल है, जो शार्पनर है, हमारे छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में प्रयोग में लाते हैं, उस पे GST 12% से 18% कर दो। हाँ, उस मीटिंग में एक निर्णय और होना था, वो निर्णय ये होना था कि कैसीनो पर, हॉर्स रेसेस पर, लॉटरी पर 28% GST लगाई जाए, पर सरकार ने कहा नहीं, इसको अभी रिव्यू करेंगे। पर आटे पे 5% टैक्स लगाने की कोई रिव्यू की जरूरत नहीं है, तुरंत लगाओ। 1000 रुपये से कम होटलों के जिनका भाड़ा है उनके ऊपर 12% GST का कोई रिव्यू नहीं है। जो शॉर्पनर पेंसिल पर जो GST 12% से 18% कर दी गई, उस पर कोई रिव्यू नहीं। और ये सब कब हो रहा है साथियों? जब देश में, ये सरकारी आंकड़ा है, जब देश में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI 7.04% है, मई 2022 का डाटा है, और अप्रैल 2022 में 7.79% था, जो रिजर्व बैंक की जो परमिसिबल लिमिट है 6%, उससे लगातार बढ़ रहा है। उस ऐसे इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट में हमारी सरकार ने क्या तोहफा दिया कि आटे पर GST लगाओ, आटे को कराया मध्यम आय वर्गीय की थाली से टाटा। ये हमारी सरकार ने फैसला लिया 47वीं मीटिंग में। एक और आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं, अभी कंज्यूमर सेंटिमेंट इंडेक्स की घोषणा हुई, एक एजेंसी ने करी, उसने बताया कि जून 2022 में पिछले 3 महीने में सबसे कम हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर हुआ है। मतलब जो हम लोग अपने साबुन, तेल, कंघा, पेस्ट, इस पे जो एक्सपेंडिचर करते हैं, चप्पल खरीदने पे, रेगुलर टी शर्ट या शर्ट खरीदने पे, उसमें जून 2022 में सबसे कम एक्सपेंडिचर हुआ है। इस बाबत हमारे 3 सवाल है। पहला, क्या सरकार इस इन्फ्लेशन के, जब इतना भयंकर इन्फ्लेशन इकोनॉमी में है, उस समय 5% आटे पर, गुड़ पर, छाछ पर, लस्सी पर टैक्स लगाकर क्या लोगों का जीवन स्तर खत्म करना चाहती है? क्या लोग आटा नहीं खाए, लोग लस्सी नहीं पिए, छाछ नहीं पिए, गुड़ नहीं खाए? क्या सरकार की मंशा ये? और ये भी उस समय जब इन्फ्लेशन अपने उच्चतम स्तर पर है, ये सरकारी आंकड़ा है, जब लोगों का एक्सपेंडिचर है, लिविंग एक्सपेंडिचर, वो जून 2022 में पिछले 3 महीने के न्यूनतम स्तर पर है। हमारा दूसरा सवाल है कि क्या सरकार के पास आय का कोई और साधन नहीं है आटे पर टैक्स लगाने के अलावा, गुड़ पर टैक्स लगाने के अलावा, छाछ पर टैक्स लगाने के अलावा? ऐसी अर्थव्यवस्था में क्या संकट है जो देश के वित्त मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी देश से छुपा रहे हैं? और तीसरा और महत्वपूर्ण सवाल, क्या देश की सरकार के लिए मध्यम आय वर्गीय लोगों के इंटरेस्ट, निम्न आय वर्गीय परिवारों के इंटरेस्ट कैसीनोस से ज्यादा बढ़कर है? क्या कैसीनोज और हॉर्स रेसेस का रिव्यू होगा टैक्स लगाने से पहले, पर आटे का टैक्स लगाना 1 मिनट का निर्णय होगा? क्या सरकार की प्रायोरिटीज घुड़सवारी की रेसेस और कैसीनोज है, मध्यम आय वर्गीय परिवार और निम्न आय वर्गीय परिवारों के थाली में आने वाली रोटी नहीं है? ये हमारे 3 सवाल है सरकार से। साथियों, इसके साथ ही मैंने एक बहुत डिटेल्ड एनेक्सर बनाया है, और ये बहुत महत्वपूर्ण एनेक्सर है, मैं आपको आज की प्रेस रिलीज के साथ दूंगा। इसमें मैंने जो चीजें हम रात दिन उपयोग में लाते हैं, उनका GST लागू होने से पहले क्या कीमत और आज की कीमत का कंपैरिजन दिया है, और मैं कुछ आइटम्स आपके सामने रखना चाहता हूं। जब GST लागू हुई, जब देश में आटा मिलता था 23 रुपये प्रति किलो, आज उसकी कीमत है 28 रुपये प्रति किलो, और सबका सोर्स भी दे रहा हूं मैं। जब GST लागू हुई, जब 400 ग्राम दही की कीमत थी 24 रुपये, आज उसकी कीमत हो गई 40 रुपये।
जब जीएसटी लागू हुई, जब घी का भाव था 500 रुपये प्रति किलो, आज घी मिल रहा है 650 रुपये प्रति किलो। जब जीएसटी लागू हुई, जब नहाने के साबुन की टिकिया का कीमत थी 16.5 रुपये, आज डबल हो गई 30 रुपये। डिटर्जेंट की कीमत थी 60 रुपये प्रति किलो, आज है 100 रुपये प्रति किलो। कॉटन शर्ट जो रेडीमेड, जो हम आप जैसे लोग, हम जैसे लोग पहनते हैं, उसकी नॉर्मल एवरेज प्राइस थी 550 रुपये प्रति यूनिट, आज हो गई 700 रुपये प्रति यूनिट। चप्पल की कीमत 400 रुपये थी, वो आज 500 रुपये में मिल रही है। कुकिंग ऑयल जो जीएसटी लागू होने के पहले 105 रुपये में भी पर प्रति किलो था, आज 216 रुपये प्रति किलो है। और तो और, गब्बर सिंह से प्रभावित होके जो गब्बर सिंह टैक्स लगाया, उस मूवी का टिकट की जो एवरेज कीमत 128 रुपये हुआ करती थी जीएसटी लागू होने के पूर्व, आज उसकी कीमत हो गई है 200 रुपया। अब कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स की मैं बात कर लूं, जैसे डोलो या क्रोसिन, जिसकी 14 रुपये प्रति स्ट्रिप कीमत थी, आज 20 रुपये है। कैंसर में उपयोग आने वाली लाइफ सेविंग ड्रग, जिसको हम ब्रोटेजोमाइब कहते हैं, वो 11,160 रुपये में एक इंजेक्शन लगता था, आज 17,000 रुपये उसकी कीमत है। तो हमारा सवाल यही है कि सरकार के लिए कॉमनर्स के ऊपर कैसीनो कैसे हो गया? सरकार जब इतनी भयंकर इन्फ्लेशन से अर्थव्यवस्था जूझ रही है, उस समय आटे पर टैक्स, छाछ पर टैक्स, लस्सी पर टैक्स, पनीर पर टैक्स, 1,000 रुपये से कम वाली होटलों पर टैक्स, ये कौन सा इकोनॉमिक मॉडल है? इसीलिए हमने जो शुरुआत करी वो इसी बात से करी कि जिस तरह गब्बर सिंह गांव वालों का धान लेके भाग जाता था, उसी तरह से गब्बर सिंह टैक्स मध्यम आय वर्गीय परिवार और निम्न आय वर्गीय परिवारों की थाली से रोटी लेके भाग रहा है, और देश इन सवालों का जवाब चाहता है। साथियों, बिफोर आई टेक क्वेश्चंस, आई वुड लाइक टू गिव ए ब्रीफ इन इंग्लिश, देयर आफ्टर वी विल टेक क्वेश्चंस। कैसिनोज ओवर कॉमनर, इज दिस द मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस? मोदी गवर्नमेंट डिसीजन ओवर द लास्ट 8 years प्रूव्स हाउ ए रिजाइम्स क्ल्यूलेसनेस एंड इनकैपेबिलिटी कैन सिंगल हैंडेडली डिस्ट्रॉय ए नेशंस इकोनॉमिक पोटेंशियल। जीएसटी विच वॉज ए फंडामेंटली ए प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर हैज बीन सो बैडली मिसहैंडल्ड दैट देर इज नो लुकिंग बैक नाउ। सेवरल स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट्स आर ए नीड ऑफ द आवर फॉर द करंट जीएसटी स्ट्रक्चर, but still instead of focusing on the improvement, the government is hell bent on making the life of middle and lower income class miserable. The finance minister is so clueless that she is willing to leave the lower and middle income groups alone. In the grab of tax rationalization, the government is overlooking the concerns of the masses. And in the 47th GST council meeting last week, a series of rate revisions were announced, most of which were adversely affect the lower and middle income group. And I am sharing 3 major decisions in 47 GST council meeting. Exemptions have been withdrawn from pre-preg and pre-labeled grains, fish, paneer, lassi, honey, jaggery, atta, buttermilk, meat and puffed rice, which we call as muri. This will now be taxed at 5%. Number 2, exemptions have also been withdrawn for hotel accommodation up to 1,000 rupees per day. These will now be taxed at 12%. Tax rates have been increased from 12% to 18% on products such as printing, writing or drawing inks, knives with cutting blades, spoons, forks, paper knives, pencils, sharpeners and LED lamps. On the other hand, the group of ministers had finalized a uniform tax 28% on casinos, horse race and lottery. But the government said that the decision was asked to be reviewed and the group of ministers has been given a 15 days period to review it. Matlab casinos pe review karo, par aate mein koi review nahi hai. At a time when inflation is putting pressure on the pockets of the commoner, these rate revisions are extremely unwelcoming.
The CPI inflation in May 22 stood at 7.04% and it was 7.79% in April 22. These are way higher than the maximum limit set by Reserve Bank of India. All the rate revisions pertain to products that are part of daily consumption basket for the lower and middle class. According to the India Consumer Sentiment Index, household spent in June 22 sees highest dip in the last 3 months. In this regard, we have three specific questions from the Modi government. First, is the government willing to jeopardize the living standards of the lower and middle income groups at a time such inflationary pressure just for increase of revenue? Number two, these desperate measures indicate that the government is willing to let the poor suffer at the expense of filling its exchequer. What is the government hiding from the nation concerning the economic situation of our country? And last but not least, what is more important for the nation, casinos or the commoner? Nation wants the answer to these specific questions. And I had made one annexure, which I will be sharing with you all, in which I had compared the prices of essential items pre-GST and post-GST. And in all items, there will be an increase from 20% to 100% increase in all essential items before the implementation of GST and after implementation of GST. I will read few items, like the atta price or the floor price was 23 rupees per kg before GST. Today it is 28 rupees a kg. Dahi price was 24 rupee for 400 gram packet. Today it is available at 40 rupees for 400 gram. Ghee price is 505 per kg. The current price is 649 per kg. Bathing soap, one soap tablet price was 16.5 rupees a unit. Today it is 30 rupees a unit. The same is with the chappals, cotton shirt, cooking oil, movie tickets, the paracetamol tablets and the cancer medicines. So we want that in a democratic country like ours, how a government can have a priority for casinos, review for imposing tax on casinos, and there is no review, there is no problem in charging tax on atta, on charging tax on chhach, on charging GST on dahi, on charging GST on paneer. We want answers for these questions from the government. So I am open for questions if you have any, first of all on the subject, and thereafter I will try to answer few other questions. जैसा मैंने मैम कहा कि हिंदुस्तान में आटे पर टैक्स उस समय जब देश में इन्फ्लेशन 7.79% चल रहा है और रिजर्व बैंक की जो 6% की जो अपर लिमिट है उससे काफ़ी ज़्यादा, उस समय जब देश में बेरोजगारी की दर 7.5 से 8% है, और ये कौन सा जीएसटी का मॉडल है कि अस्पताल में अगर आपको कमरा चाहिए तो उस पर 18% जीएसटी, आपको हेल्थ इंश्योरेंस कराना है तो उस पर 18% जीएसटी, अस्पताल के कमरे पर 5% जीएसटी, और अगर आपको डायमंड खरीदना है तो उस पर मात्र 1.5% जीएसटी। ये कौन सा मॉडल है? व्हाट इज दिस मॉडल ऑफ इम्पोजिंग टैक्स? टैक्स में तो ये अवधारणा होती है कि जो ज़्यादा दे सकता है उससे ज़्यादा टैक्स लिया जाता है। अब आप बताइए, अस्पताल में कोई आदमी भर्ती हो जाए तो 5% कमरे पर, हॉस्पिटल हेल्थ का इंश्योरेंस करा ले तो 18%, और डायमंड खरीदना हो तो 1.5%। और डायमंड कौन कौन बेचते थे? वो अभी सुदूर समुद्री तटों पर बैठे हमारे मेहुल भाई, वो सुदूर कभी कभी उनकी कोई ऐसे ऐसे देशों के समुद्र तट पे उनकी फोटो देखने को मिलती है जिनका ज्ञान मध्यम आय वर्गीय परिवार और निम्न आय वर्गीय परिवारों को नहीं होता है। ऐसे ऐसे बीच लोकेशंस पर उनकी फोटो देखने को मिलती है। तो जीएसटी का जो अवधारणा थी वो अवधारणा थी सिंगल टैक्स। जीएसटी की अवधारणा थी लो एंड सिंगल रेट ऑफ टैक्स, पर यह अवधारणा को ही आपने खत्म कर दिया।
और फिर आटे पर टैक्स लगा दिया, गुड़ पर टैक्स लगा दिया, गुड़ पर 5%, आटे पर 5%, पर डायमंड पर 1.5%, छाछ पर 5%, पर डायमंड पर 1.5%, होटल में 1,000 रुपये से कम कमरा कीमत वाले होटल में कमरा ले लो तो 12%, पर डायमंड पर 1.5%, एलईडी लैंप ले लो तो उस पर 18%, पर डायमंड पर 1.5%। ये कौन सी कर व्यवस्था है? ये कैसीनो पे कर लगाने के लिए पहले रिव्यू कर लो, सरकार कह रही है सोचो और सोचो, टाइम ले लो, सोचो समझो, पर आटे पर कोई सोचने की जरूरत नहीं। अब पता नहीं कोई ये भी कह सकता मैं जी देखिए, एक सज्जन ने 2014 के पूर्व एक बात कही थी, वो बात मेरे दिमाग में आज भी, वो वाक्य बिल्कुल वैसे के वैसा है, मैं उसको इन्वर्टेड कॉमाज में कोट अनकोट करूंगा। जैसे जैसे रुपये की कीमत घटती है, देश की सरकार की साख घटती है। अब साख तो 80 पे आ गई, पहले तो 55-60 पे ही थी जब ये वाक्य सज्जन ने कहा था, अब तो साख आ गई 80 पे, और साख चली जाएगी शतक के बाहर, सरकार को कोई मतलब नहीं है। जब जैसे ही आपका रुपया कमजोर होता है डॉलर के मुकाबले, आपका जो तेल का बिल है वो बढ़ जाता है, और जैसे ही तेल का बिल बढ़ेगा, तेल का पैसे कौन देगा? आप देंगे, मैं दूंगा, क्योंकि हमको तो डॉलर में पेमेंट करना है। जैसे ही इसका आपका डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होता है, तो वैसे ही आप जो चीजें एक्सपोर्ट करते हो दूसरे देशों से, उसकी आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। आप जो लाइफ सेविंग ड्रग्स दूसरे देशों से मंगाते हो, जैसे कई कैंसर की दवाइयां हैं वो बाहर से आती है, उसके दाम बढ़ जाते हैं, पर सरकार को कहां मतलब है? सरकार तो नाम बदलने में इतनी व्यस्त है कि अब नए शहर का कोई नया शहर का नया नाम ढूंढ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि अगले 1-2 साल में ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है कि जो पिछले 4-5 साल में शहर का नाम बदला उसका फिर बदल दे, क्योंकि अब स्टॉक खत्म हो रहा है। क्यों, जिसका नाम 3-4 साल पहले बदला, उसका एक बार, जैसे फिल्में आती ना, फलाना 2, फलाना फिल्म 3, फलाना फिल्म 4, तो ये इस तरह से ले लेके आ रहे हैं। उनको उनको उनकी व्यस्तता इतनी है नामकरण में, उनको पता ही नहीं कि पीछे से आटे पर 5% टैक्स लगा दिया सरकार ने, गुड़ पर, पनीर पर, छाछ पर, दही पर, मूढ़ी पर, और जितने भी आप और मैं लोग हैं बाहर जैसे ही जाते हैं कोई छोटे पार्क में 2-5 रुपए की मूढ़ी लेके खाते हैं, उस मूढ़ी पे भी टैक्स है, 5% GST ऑन मूढ़ी। दिस इज द अचीवमेंट। तो इसीलिए मैंने जो शुरुआत में कहा कि गब्बर सिंह लोगों का धान लेके भाग जाता था, मुझे उस फिल्म में अच्छे से याद है, ये गब्बर सिंह टैक्स लोगों की थाली से आटा लेकर जा रही है। इस सवाल का हमें जवाब चाहिए कि आटे पर, गुड़ पर, मूढ़ी पर, पनीर पर, छाछ पर, दही पर GST लगा के सरकार क्या दिखाना चाहती है? कैसीनोज पर टैक्स को रिव्यू कर रही है और मूढ़ी पर और आटे पर टैक्स लगा रही है, इससे क्या बताना चाहते हो? इसीलिए जो मैंने शुरुआत में बात कही थी, गरीब के पेट पर वार, बहुत निर्दयी है मोदी सरकार। सी आई रिकॉल ए स्टेटमेंट बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बिफोर ही बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, एंड आई कोट दैट जैसे जैसे रुपये का भाव गिरता है, दिल्ली में बैठी सरकार की साख भी गिरती है। वॉट ही वॉन्ट्स टू कन्वे एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम दैट एज द प्राइस ऑफ रुपी vis-a-vis डॉलर डेप्रिशिएट्स, इन द सेम वे द गुडविल ऑफ द गवर्नमेंट सिटिंग इन दिल्ली, द गुडविल ऑल्सो डेटेरियट्स। नाउ गुडविल इज एट ऑल टाइम लो, प्राइम मिनिस्टर सर, your goodwill is at all time low, and every day
that is crossing the new benchmarks. And as per the experts, it is very soon going to be at 82 or 83 rupees, and government is sitting with folded hands. What corrections, what measures government of India is taking to stop this depreciation of rupee? Because mind it, as rupee value depreciates vis-a-vis dollar, our oil bill prices, our oil prices automatically increases without any movement of the international prices. As rupee prices depreciates vis-a-vis dollar, then all items which we are exporting and for which we are paying in dollars, their prices for our people, the prices shoots up. And especially the life-saving drugs which we are exporting from other nations. What Prime Minister is doing? Our lakhs of students who used to go abroad for higher studies, their tuition fees is got increased by 10 to 15% in last 6 months because they have to convert rupee to dollar. So earlier they were getting $1,000 for 70,000 rupees. Today they have to pay $1,000 80,000 rupees. So without doing anything in 6 months, my tuition fees bill for higher studies in other countries had got increased by around 15 to 20%. And government is sitting idle. Government is not reacting to this because there is a 24 hours time, and government is busy in renaming the cities, in renaming the states, in renaming the rivers, in renaming the stadiums, in renaming the monuments. They are busy in that. Main to unko ek salah dena chahta hu sarkar ko ki ek adhyadesh nikal de. सारे शहर के नाम, पुराने नाम और नए नाम लिख दे. रोज रोज का काम क्यों परेशान होते हो? रुक पर एक दिन में आप अपना काम करो, बाकी फिर इस पे काम करो, आटे पे टैक्स हटाओ. जी I think at proper time we will revert to this question, and I think right now, this is not the right time to give the final answer to this question. Sir, yes, ma'am. Sir, Kali ko liye jo Kali film hai, usse ke vivad chhada hua hai. Mauka mitra ne kaha hai, wo itna ne kaha hai ki mere liye Kali ko meet kijiye aur sharab alcohol peene wali hai, to mujhe koi dikkat nahi hai deportation. देखिए, मऊआ मित्रा जी ने क्या कहा वो उनका मत है, उनकी पार्टी का मत है. मैं उस पर क्यों टिप्पणी करूं, पर मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूं कि व्यक्तिगत रूप से हम सभी देवी देवताओं का पूरा सम्मान करते हैं, पूरा आदर करते हैं. और ये सारी जो बातें जो आज उठ के आती है, ये क्यों आ रही है? ये इसलिए आ रही है ताकि आप और मैं दोनों व्यस्त हो जाएं, 5% GST आटे का सवाल नहीं पूछे और इधर ही घूमते रहें. ये एक स्ट्रेटेजी है. इस स्ट्रेटेजी में आपको और मुझे दोनों को नहीं पढ़ना है. आपको भी 5% GST आटे पे रहना है, मुझे भी रहना है. पर रही बात आपके सवाल की, मैंने कहा सारे देवी देवताओं का सम्मान होना चाहिए. किसी भी देवी देवता पर अभद्र टिप्पणी मैं और मेरी पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी. सी मैम, या as I answered your query, that all, first of all, we respect all Devi Devtas of all religion, and that is the character and beauty of our country. And neither myself nor my party acknowledge any medium or any statement by which the religious, I can say, the religious feelings of any community is getting an adverse impact. We don't acknowledge that thing. But we have to understand that why these things are happening today. Because government is interested, we should not discuss that why 5% GST is imposed on atta.
because government is interested, we should discuss 24/7 all these things. Government is interested, we should discuss 24/7 that Hyderabad, Bhagyanagar, Abhagyanagar, whatever they are calling that. They are interested, that is their narrative. That is, they are not interested in governance. Can they answer a simple question that whether casinos are more important or commoners' interests are more important? That is the basic principal question. If commoners' interest is more important, then why there is a 5% GST on ATA and why there is a review on imposing GST on casinos? Simple question. So, aapko, mujhe aur hum sabko आटे की ज़्यादा फिक्र करनी चाहिए, छाछ की ज़्यादा फिक्र करनी चाहिए, ये जो इनका जो जो माया जाल है इसमें नहीं फंसना है। अगर इसमें फंसे तो फिर अगला आ जाएगा, चार दिन बाद अगला इश्यू ले आए। क्या प्रधानमंत्री जी इसका जवाब देंगे कि जीएसटी आटे पर क्यों लगाई? और जो मैंने आपको पहले भी कहा कि जो जो नाम आपको परिवर्तन, जिन जिन नदियों के सरदार पटेल की जगह अपना नाम का स्टेडियम बनाना है, सब एक बार में कर लो कि भाई उनको लगता है कि सरदार पटेल की जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को लगता है, तो उन्होंने सरदार साहब के नाम चेंज करके अपने नाम का स्टेडियम बना दिया। ठीक है, उनकी सरकार है, वो कर सकते हैं, पर ये रोज रोज का नाटक बंद करो और ये बताओ 5% गुड़ पर जीएसटी क्यों लगाई, छाछ पर 5% जीएसटी क्यों लगाई, 12% जीएसटी 1,000 रुपये से कम के होटलों पे क्यों लगाई? और 1,000 रुपये से कम के होटलों में कौन रुकता? आप रुकते, मैं रुकता हूं, हम जैसे करोड़ों देशवासी रुकते हैं, उस पे जीएसटी दो जी। देखिए, ये पुनः वही चीज़ हो रही है जो 4 साल पहले हुई थी, जब सुप्रीम कोर्ट के 3 सिटिंग जजों ने बाहर आके बोला था कि लोकतंत्र खतरे में है। आज कर्नाटक हाई कोर्ट के एक जज बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर दबाव है। मैं प्रार्थना करता हूँ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से, मुख्य न्यायाधीश से, कि इमीडिएट इसका संज्ञान लें, और जो माननीय कर्नाटक हाई कोर्ट के न्यायाधीश है उनको किन लोगों का दबाव है? क्या वो 40% कमीशन वाले लोग हैं जो उन पर दबाव डाल रहे हैं? क्या वे वही लोग हैं जिनके दबाव में आके भाजपा के कार्यकर्ता ने खुदकुशी कर ली थी और अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि मेरी मौत का जिम्मेवार कर्नाटक सरकार का मंत्री ईश्वरप्पा है? क्या वही लोग हैं? हम अनुरोध करते हैं माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और सारे अन्य न्यायाधीशों से कि इस मामले का संज्ञान ले और देश के संस्थाओं पे जो लगातार सरकार डेंट मार रही है, भले वो न्यायपालिका हो, भले वो कार्यपालिका हो, भले वो इलेक्शन कमीशन हो, भले वो रिजर्व बैंक हो, भले वो सेबी हो, भले वो सीबीआई हो, भले वो ईडी हो, उसको रोके। आज तो स्वयं न्यायाधीश ने, कर्नाटक हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने आके जो अपना वीडियो जाए बाहर आया है, जो वायरल हुआ है, उसमें वो साफ तौर से कह रहे हैं कि उनको भय है, ही इज थ्रेटन्ड फॉर एक्सपोजिंग द करप्शन ऑफ द गवर्नमेंट। ये वही 40% वाली सरकार है जिसमें जो वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता करके बोला बेंगलोर में कि कर्नाटक की जो सरकार है वो जो भी करती है उसमें 40% कट है। ये मेरे शब्द नहीं है, उनके कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के शब्द है जी। मेरे संज्ञान में वो बात नहीं, अपन बाद में बात। रिगार्डिंग वो नेशनल हेराल्ड केस में जो पूछताछ चल रही थी और उसमें कांग्रेस को
ये वही सांसद है ना जिसने महात्मा गांधी के लिए भी अपशब्द कहे थे। जो सांसद महात्मा गांधी के लिए अपशब्द कह सकता है या कह सकती है, उसके लिए बाकी सब लोग तो बहुत ही सामान्य चीजें हैं। ये वही सांसद है ना जिसको प्रधानमंत्री ने कहा था मैं दिल से माफ नहीं करूंगा, बाकी माफ है। तो ये दिल से माफी और मुख से माफी और पेन से माफी, इनमें क्या अंतर होता है? ये वही सांसद है ना जो सुबह न्यायालय में नहीं जाने के लिए धीमे धीमे चलती लंगड़ा लंगड़ा के और शाम को फुटबॉल खेलती भी मिलती है, ये वही सांसद है ना? इन ऐसे सांसद के बारे में आप मेरे से टिप्पणी क्यों करवा रहे हो?